back. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कंजर्वेटिव उम्मीदवार जमील जीवानी ने डरहम में वफाकी ज़मीनी इंतखाब जीत लिया। लिबरल उम्मीदवार रॉबर्ट रॉक दूसरे नंबर पर रहे। जमील जीवानी का कहना था कि लिबरल्स ने लोगों की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। टोरंटो में मार्च में गर्म मौसम का रिकॉर्ड टूट गया। पियर्सन एयरपोर्ट पर दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। मंगल के रोज शहर में हल्की बारिश का इम्कान। कैनेडियन वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड 16 अप्रैल को वफाकी बजट पेश करेंगी। माली साल 2024-25 के लिए 38.4 बिलियन डॉलर के बजट खसारे का तखमीना लगाया गया है। फ्रीलैंड का कहना था कि हाउसिंग और महंगाई को कम करने के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। कैलिफोर्निया में 8 फुट की बर्फबारी, सैकड़ों गाड़ियां जानलेवा हालात में फंस गईं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी से हर शहर पर सफ़ेदी छा गई। बर्फानी तूफान से मगरबी अमरीका में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Headlines aapne jaani aur ab khabrein tafseel ke saath. कंजर्वेटिव उम्मीदवार जमील जीवानी ने ओंटेरियो राइडिंग ऑफ डरहम में वफाकी ज़मीनी इंतखाब जीत लिया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव उम्मीदवार जमील जीवानी ने ओंटेरियो राइडिंग ऑफ डरहम में वफाकी ज़मीनी इंतखाब जीत लिया। जमील जीवानी ने ओंटेरियो में डरहम की नशिस्त में अपनी फतह का जश्न मनाया और अपने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हुए और अपने लिबरल अशराफिया के हरीफों को निशाना बनाया, जो उनके बकौल मेहनत कश तबके के लिए ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल और महंगा बना रहे हैं। कनाडा के इंतखाबात के इब्तदाई नतज से ज़ाहिर होता है कि जीवानी पीर के ज़मीनी इंतखाब के बाद हाउस ऑफ कॉमन्स की नशस्त के लिए तैयार हैं। जीवानी जो एक वकील और मुबसर हैं, उन्होंने 55% से ज़ायद वोट हासिल किए थे, जिनमें पीर की शाम तक तकरीबन तमाम पोल्स रिपोर्ट हुए थे। लिबरल उम्मीदवार रॉबर्ट रॉक दूसरे नंबर पर रहे और NDP के उम्मीदवार क्रिस बॉर्जिया तीसरे नंबर पर रहे। अगरचे डरहम एक कदामत पसंद गढ़ है, ये टूरिस्ट की गुज़िश्ता 20 सालों में राइडिंग में हासिल की गई फतह के सबसे बड़े मार्जिन में से एक है। जीवानी की कामयाबी उस वक्त हुई जब टूरिस्ट हुकूमत करने वाली लिबरल पार्टी से पहले इंतखाबात में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और कंजर्वेटिव एक पैगाम को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें टैक्स ख़त्म करने, घर बनाने, बजट को ठीक करने और जराइम को रोकने का वादा किया गया है। मैं अपनी जीत की तकरीर में जीवानी ने कहा कि ये उनकी कंजर्वेटिव पार्टी है जो आने वाले वफाकी इंतखाबात में कम्युनिटीज़ के इकदार की बेहतरीन नुमाइंदगी करेगी। पार्टी इस मुल्क में तब्दीली लाएगी। जीवानी ने कहा, जब हम उस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये लिबरल अशराफिया इस मुल्क के मेहनत कश लोगों को धोखा दे रही है, मुतवस्सित तबके को धोखा दे रही है, मेहनत कश तबके को धोखा दे रही है। जियानी ने कहा कि इन लिबरल अशराफिया में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, लिबरल पार्टी, बड़े बैंक और टेली कम्युनिकेशन कंपनियां शामिल हैं, जो हर चीज की कीमत बढ़ा रहे हैं। डरहम ज़मीनी इंतखाब साबिक कंजर्वेटिव रहनुमा एलन ओटोल की जगह लेने के लिए मुनक्किद किया गया था, जिन्होंने अगस्त 2020 से फरवरी 2022 तक बाज़ाब्ता अपोजिशन लीडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी और गुज़िश्ता मौसम बहार में अपनी नशिस्त
छोड़ दी थी। टोरंटो में मार्च के गैर मामूली गर्म आगाज ने पीर के रोज एक नई बुलंदी को छू लिया, जिसने 50 साल पुराने मौसमी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मार्च के गैर मामूली गर्म आगाज ने पीर के रोज एक नई बुलंदी को छू लिया, जिसने 50 साल पुराने मौसमी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछला रिकॉर्ड 13.3 सेंटीग्रेड था, जो 4 मार्च 1974 को कायम किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स पीर की शाम 4 बजे तक क्रेसन एयरपोर्ट पर दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ताहम ये रिकॉर्ड उस वक्त गैर सरकारी है। हफ्ते के वस्त में ठंडी हवा की वापसी से पहले दोहरे हिंसे की ऊंचाई मंगल तक जारी रहेगी। कूल्ड डाउन के बावजूद ये अब भी अगले हफ्ते के आखिर तक मौसम के ऊपर रहने की तवक्को है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मंगल को हल्की बारिश के वक्फों के साथ अबर आलूद आसमान के साथ 16 सेंटीग्रेड की ऊंचाई देखी जा सकती है। ये मुतवक्के ऊंचाई अब भी पियर्सन में 2004 में 5 मार्च -18.5 सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड से कम होगी। पेशन गोई में बारिश के साथ बुध के रोज हल्की सी ठंडक आएगी, लेकिन 8 सेंटीग्रेड के करीब ऊंचाई अब भी औसत से ज्यादा गर्म रहेगी। साल के इस वक्त के इर्द गिर्द टोरंटो में औसत बुलंदी 2 सेंटीग्रेड है। जुमेरात और जुमे को मौसमी दिन के वक्त की ऊंचाई 7 सेंटीग्रेड और 6 सेंटीग्रेड के आसपास नजर आएगी। जुमे से हफ्ते की सुबह रात भर बारिश मुतवक्के है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक कनाडा का बेशतर हिस्सा मामूल से ज़ायद गर्म मौसम की तवक्को कर सकता है, लेकिन इस मौसम के गहरे मिजाज के बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कैनेडियन वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड 16 अप्रैल को वफाकी बजट पेश करेंगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड 16 अप्रैल को वफाकी बजट पेश करेंगी। कैनेडियन वफाकी मालियात की हालत पर एक नज़र डालेंगे, जब नायब वजीर आजम क्रिस्टिया फ्रीलैंड अगले माह अपना बजट पेश करेंगी। हुकूमत कई सालों के बड़े कोविड दौर के बजट खसारे के बाद अखराजात पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, जिसने कौमी कर्जे को तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर से दुगना कर दिया है। एक कर्ज का बोझ जिस पर ओटावा पर सालाना 10 अरब डॉलर सूद पर खर्च हो रहे हैं। फ्रीलैंड के जवाल के मौशी बयान में आइंदा माली साल 2024-2025 के लिए 38.4 बिलियन डॉलर के बजट खसारे का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत ने अपने मैंडेट के हतमी बजट के लिए किस तरह मनसूबा बंदी की है, इस पर मुनहसर है कि ये तादाद ज्यादा या कम हो सकती है। बजट कनाडा के लोगों को हुकूमत की तरजीहात के बारे में कुछ बसीरत फराहम करेगा कि 2025 के मुतवक्के इंतखाबात से पहले अखराजात की आखिरी दस्तावेजात में से एक क्या हो सकता है। बजट की तारीख का ऐलान करते हुए मीडिया के एक बयान में फ्रीलैंड ने तजवीज़ पेश की कि हाउसिंग के लिए मजीद आने वाले हैं। उनका कहना था कि हमारा इक्तिसादी मनसूबा मजीद घरों की तेजी से तामीर, जिंदगी को मजीद सस्ता बनाने और मजीद अच्छी मुलाजमतें पैदा करने के बारे में है। ये मनसूबा अगली नस्ल के लिए एक अच्छी मुतवस्सित तबके की जिंदगी के रास्ते खोल देगा, क्योंकि कनाडा इस वक्त मजबूत होता है जब सबके पास कामयाब होने का मसावी मौका होता है। अमरीकी रियासतों कैलिफोर्निया और नेवाडा में बर्फानी तूफान और शदीद बर्फबारी की वजह से निज़ाम जिंदगी तरहम बरहम हो गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासतों कैलिफोर्निया और नेवाडा में बर्फानी तूफान और शदीद बर्फबारी की वजह से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में 8 फीट तक बर्फबारी हुई है और सैकड़ों गाड़ियाँ जानलेवा हालात में फंस गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते के आखिर में आने वाले बर्फानी तूफान ने कैलिफोर्निया और नेवाडा के कुछ हिस्सों को शदीद मुतासिर किया है। ये तूफान कम अज कम मंगल तक जारी रहने की तवक्को है, जबकि मजीद बर्फबारी की भी पेशगोई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बर्फबारी से हर शहर पर सफेदी छा गई, 6 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है और कहीं कहीं 8 फीट तक बर्फ गिरी, जिसकी वजह से दोनों रियासतों में बड़ी सड़कें बंद हैं, डोनर पास पर ट्रैफिक जैम हो गया और सैकड़ों गाड़ियां जानलेवा हालात में फंस कर रह गई हैं। बर्फबारी की वजह से लोग भी घरों में महसूर हो गए हैं। रियासत भर में खराब मौसम के बायस बिजली की फराहमी भी तातुल का शिकार है और हजारों अफराद को परेशानियों का सामना है। वाज़ह रहे कि पीर को 4 रियासतों में मौसम सरमा के तूफान की वार्निंग जारी की गई थी, जिनमें कैलिफोर्निया, ओरेगन, आइडाहो और कोलोराडो शामिल थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्फानी तूफान ने मगरबी अमरीका में बड़े पैमाने पर मुश्किलात पैदा की हैं। कई रियासतें मूसलाधार बारिश और 100 मील फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मुतासिर हुई हैं। कैलिफोर्निया की मेडेरा काउंटी में बर्फानी तूफान के खौफनाक बगोले ने एक प्राइमरी स्कूल पर भी मलबा गिराया, जिससे स्कूल को काफी नुकसान पहुंचा। बर्फबारी और बर्फानी तूफान से पैदा होने वाले हालात की वजह से रीनू और सैक्रामेंटो के दरमियान इंट्रा स्टेट 80 हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं, जिसकी वजह से हुकाम को 100 मील तक ये मसरूफ सड़क बंद करनी पड़ी। हुकाम के मुताबिक कई हादसात की इत्तला है। फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।